पे, और अहमद भाई सपा अहमद ब्लॉग वाला मुझे कहता था तुम अजहर भाई को ढूंढ नहीं सकोगे कभी। और अहमद भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये देखो कौन है, हैं? अस्सलाम वालेकुम। कौन है अहमद भाई बताना है आपने, ये अजहर भाई है, ढूंढा मैंने नहीं ढूंढा, खानपुर में जहाँ पे भी गए थे ये मैंने इनको ढूंढा है और इनकी शॉप पे पहुँच चुका हूँ। और मैंने तो जी ये देखें ये ऊपर डाल रही हैं इस सुराख में चीनी। हाँ जी बेबी मज़ा आ रहा है, हम छोटे होते थे तब ये ना लेते थे। हाय कैसी हो, ठीक हो? हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ पे भी हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। व्लॉग को शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के पास लाजमी शेयर करें। तो जी अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ रहीम यार खान सिटी में, क्योंकि मेरे जो टेस्ट थे वो यहाँ से नहीं हुए, तो उन्होंने कहा है कि आप जो है ना रहीम यार खान से टेस्ट करवाएं। तो अभी हम रवाना हैं, रहीम यार खान रास्ते पर मैं ठहरा हूँ, तो रास्ते की सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँगा जी। व्लॉग को आपने पूरा लाजमी देखना है। तो जी अभी मैं जा रहा था रास्ते पे, तो मुझे ये चाचू जी मिले हैं रास्ते पे। ये जो देसी तरीके से लच्छे बनाते हैं ये बहुत ही पुराना कल्चर है, हम छोटे होते थे तब ये बनवाते थे। तो अभी मैं आपको ये दिखवाता हूँ कि ये किस तरीके से बनाते हैं। तो जी ये देखें ये ऊपर डाल रही हैं इस सुराख में चीनी। हाँ जी तो अभी जो है ना इधर से इसको घुमाते हैं, तो ये गर्म होता है चाचू जी, ये जो है ना जो गोल गोल घूम रहा है ये जो है ना बहुत ज़्यादा हीट करता है चीनी को, जो पिघाल देता है, तभी जो है ना ये लच्छे बनते हैं। ये देखें जी बहुत ही बड़ा माशाल्लाह बनाया है इन्होंने। देखें ये जो है ना हमारा लच्छा बन रहा है जो हम बनवा रहे हैं, ये देखें यकीन करें देखने में बेबी मज़ा आ रहा है, हम छोटे होते थे तब ये ना लेते थे। और हम अभी ना लच्छा टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं कैसा है। वाह खालिस प्योर चीनी के साथ बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार है। तो जी अभी हम खानपुर पहुंचे थे और बाइक जो है ना हमारी पंचर हो गई है और हॉस्पिटल भी 2 बजे जो है ना क्लोज हो जाना है। तो अभी जो है यहाँ से पंचर लगवा रहे हैं, ये देखें हम फुल स्पीड में थे और अचानक जो है ना पंचर हुई है बाइक। अभी हम खानपुर पहुँच चुके हैं और आगे का जो हमारा सफ़र है वो तकरीबन 1 घंटे का है। तो हमारा जो प्रोग्राम था वो 12 बजे पहुंचने का था और अल्लाह करे हम टाइम पे पहुंच जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवा लें। तो जी पंचर जो है ना हमारा वो लग चुका है और इस रोड पे हम ठहरे हैं, ये जो है ना नवा कोट रोड है खानपुर वाली, उस रोड पे हम ठहरे हैं। तो अभी हमने यहाँ से रवाना होना है रहीम यार खान के लिए। तो जी बाइक जो है ना हमारी फिर पंचर हो गई है और अभी हम रहीम यार खान पहुँचने वाले हैं, तकरीबन 20 मिनट का सफ़र हमारा बाकी रह गया है, फिर बाइक पंचर हो गई है, 2 बजे हमने पहुंचना भी है अल्लाह खैर करे। तो जी मेरी बाइक जो है ना दूसरी बार पंचर हो रही है और दूसरी बार भी मैंने इसको पंचर लगवा ली है। अब जो है ना हम हो रहे हैं रवाना, ये जो है ना थैला भी हमारे साथ है, अभी ले रहे हैं पैसे, ये है हमारा बकाया। बहन भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं अपनी बहन के घर और ये जो है ना मेरी क्यूट क्यूट सी माशाल्लाह भांजी है। हाय कैसी हो, ठीक हो? हाँ
और ये जो है ना ये मेरा भांजा है। हाय, आप कैसे हो? ठीक हो हैं? घर चलोगे मेरे घर? हाँ चलना है घर उधर उधर चलना है उधर उधर हाँ। तो जी ये जो है ना बोल नहीं सकता, तो फिर ऐसे ही उसने ना कह दिया कि हाँ चलूँगा बस। तो जी अभी चलते हैं, दवाई लेते हैं क्योंकि 2 बजे जो है ना हॉस्पिटल बंद हो जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं जी। तो जी अभी जो है ना हम शेखजादा हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, तो अभी हम चेकअप करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, जो होता है फिर आपको बताते हैं। तो जी जब मैं घर से निकला ना तो मुझे ना सीने में बहुत दर्द था, और मैं ये सोच रहा था कि सबसे ज़्यादा मैं बीमार हूँ। जब मैं हॉस्पिटल आया तो मुझसे ज़्यादा लोग जो है ना वो बीमार थे, और मुझे अपना दुख जो है ना वो भूल गया, और अभी मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये है रहीम यार खान का सबसे बड़ा सिटी पार्क चौक। तो जी काफ़ी जो है ना हम काफ़ी सारा हम घूमने फिरे हैं, तो स्टैंड हमें जो है ना अभी मिल चुका है, और अभी हम जा रहे हैं वापस, और हमने मेडिसिन भी ले लिया है। चलें अब? हाँ जी चलते हैं जी घर, अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी जो है ना हम रहीम खान में मौजूद हैं, ये देखें सूरज भी जो है ना अभी गुरूब होने वाला है। तो जी शदीद किस्म की प्यास लगी हुई थी और हमने सोचा कि ना जूस पी लेते हैं, तो अभी हमने लिया है जूस। तो जी अभी जो है ना हम कानपुर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने अजहर भाई को कॉल किया है कि आप कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शॉप पे हूँ आ जाएं, तो मैं सोचा मिलते जाते हैं उनको भी। तो जी अभी हम पहुँच चुके हैं अजहर भाई की शॉप पे, और अहमद भाई सब्बा अहमद ब्लॉग वाला मुझे कहता था तुम अजहर भाई को ढूंढ नहीं सकोगे कभी, और अहमद भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये देखो कौन है, हैं? अस्सलाम वालेकुम। कौन है अहमद भाई बताना है आपने, ये अजहर भाई हैं, ढूंढा मैंने नहीं ढूंढा, खानपुर में जहाँ पे भी गए थे ये मैंने इनको ढूंढा है, और इनकी शॉप पे पहुँच चुका हूँ, और मैंने क्या किया इनसे चाय पी है। मेहमान नवाजी, आपने हमें ढूंढ लिया, आपकी मोहब्बत है। हाँ जी अहमद, आप भी अहमद हो, वो भी भाई है मेरा, आप भी भाई हैं हमारे। हाँ जी, तो और अहमद अजहर भाई मुझे काफ़ी उन्होंने फोर्स किया कि आप बैठे यहाँ पे खाना वगैरह खिलाएं, लेकिन हमें जो है ना बहुत जल्दी है, अभी हम जा रहे हैं वापस क्योंकि हमारा तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र और भी है, और हम हैं बाइक पे, तो जल्दी है हमें। तो अजहर भाई ठीक है फिर आप जा रहे हैं? हाँ जी, फिर इंशाल्लाह जो है ना 15 दिन बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैंने यहाँ पे दीनपुर चौक पे जो है ना यहाँ से मेडिसिन लेनी थी, लेनी है, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे। हाँ जी ठीक है सर भाई, ओके जनाब, ओके खुश रहें। तो जी प्यारे बहन भाई अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, और हाथ पे हाथ नहीं नज़र आ रहा, मेरे सिर्फ दांत नज़र आ रहे होंगे आपको, और अभी करते हैं व्लॉग का एंड क्योंकि अभी तक हम घर नहीं पहुंचे, और बाइक फिर से पंचर हो गई है, और अभी हम बैठे हैं, भाई को फ़ोन किया है, रास्ते पे बैठे हैं, वो आ रहा है, हमें पंचर लगा के देगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।